हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हम सभी लोग। स्वागत है आपका सनकन लैंड की एक और नई मजेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपने बेस का पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। अभी हमने ये छोटा सा बेस बनाया, धीरे धीरे इसको और भी बड़ा करते जाएंगे। इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाएंगे, फिर थर्ड फ्लोर, और भी इसको बड़ा करेंगे। और आज की वीडियो में ना काफी सारी नई नई चीजें करने वाले हैं। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। चलो फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। जितने भी सारे लोग चैनल पे नए आएंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी मुझे आज ये करना है ना, सारी नई नई चीजें बनानी है जो कि यहाँ पर अनलॉक हुई है। जैसे कि अपने को एडवांस प्यूरिफायर बनाना है, ग्रिल वगैरह बनाना है, स्टोव वगैरह, सारी चीजें बनानी है। बट उसके लिए ना आयरन इंगट काफी ज्यादा चाहिए। कल को मैंने जितना भी आयरन ओर रखा था, नहीं आयरन ओर तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं, यहाँ पर कहीं पर नहीं है ना, नहीं सारे आयरन ओर मैंने ले लिया है। कल मैंने उसमें आयरन ओर डाला था आयरन इंगट बनने के लिए। देखता हूँ कितना आयरन इंगट बना है। शायद से मेरे पास दो बन के रेडी हो चुका था, और अभी इसमें एक और पड़ा हुआ है। ओके, एक और मिल गया मुझे। वैसे मुझे एक और ये बना देना चाहिए स्मेल्टर, जिससे कि मेरा काम जल्दी से हो। भाई चार आयरन इंगट हो गए, ये हुई बात। आयरन इंगट तो बहुत तेजी से बन रहे हैं, मुझे एक स्मेल्टर और बना देना चाहिए। दो स्मेल्टर रहेंगे तो और तेजी से काम होगा यहाँ पर। एक चीज मैंने पूरा ट्राई कर लिया कि यहाँ से इसको किससे हटा पाऊं, बट कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई। जैसे मुझे रिसर्च टेबल को यहाँ से शिफ्ट करना हुआ तो वो कैसे होगा भाई, कोई बटन तो काम करता होगा। ऐसा रहना चाहिए था कि मैं इसको यहाँ से उठा के वहां पर शिफ्ट कर पाऊं भाई, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं आता। गाइस, अगर आपको पता होगा कि वो कैसे होता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं इनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ भाई। सबसे पहली चीज तो मुझे आर्मर वर्कशॉप पे रिसर्च करना है, जिसके लिए स्क्रैप चाहिए, क्लॉथ चाहिए। क्लॉथ है मेरे पास, सिर्फ स्क्रैप चाहिए। स्क्रैप यहाँ पर पड़ा हुआ है क्या? वेट वेट वेट, स्क्रैप यहाँ पर पड़ा होगा भाई। यहाँ पर भी मैं स्क्रैप रख के भूल गया था भाई, चीजों को मैं रख के बिल्कुल भूल ही जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या चीजें रखा हूँ। चलो तो अब पहले रिसर्च करते हैं, आर्मर वर्कशॉप पे रिसर्च कर लेते हैं। डन सीन, इसका यूज करेंगे हम एडवांस मेटल क्राफ्ट करने के लिए। इसके लिए एक आयरन इंगट लग रहा है भाई, ये तो गड़बड़ है यार। आयरन इंगट ना लगे, बाकी सब सही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, तो इस पर भी रिसर्च कर लेता हूँ। एयर फिलिंग स्टेशन, इस पर भी रिसर्च कर सकता हूँ। इसके लिए दो रबर चाहिए। पहले तो एडवांस प्यूरिफायर पर रिसर्च करता हूँ। इसके लिए कॉम्पोनेंट चाहिए, रबर चाहिए, और चार ग्लास चाहिए। ग्लास पड़े हुए हैं क्या कहीं पर? ओके ओके, ग्लास तो मिल गया मुझे, ये अभी यहाँ पर रख देता हूँ। कॉम्पोनेंट चाहिए और रबर चाहिए। रबर यहाँ पर होगा इसके इन्वेंट्री में। वैसे यहाँ पर भी ग्लास है, नाइस। रबर है क्या? 10 रबर वैसे मैं लाया था, नाइस नाइस। कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ। चलो डन सीन, अब इसको करते हैं पट से रिसर्च। एडवांस प्यूरिफायर पे भी आज रिसर्च कर दे रहे हैं। इम्प्रूव्ड ग्रिल पे भी रिसर्च कर दूं क्या? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप मेटल चाहिए। स्टोव पे पहले रिसर्च कर देता हूँ, उसके लिए दो आयरन इंगट चाहिए। भाई बहुत सारी चीजें लग रही है यही करने में, भाई रिसर्च करने में ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये क्या बात होता है भाई। पहले रिसर्च करवाओ फिर उसको बनाओ, ये गलत बात है। वेट वेट वेट, यहाँ पर स्क्रैप पड़ा है क्या? हाँ ना, यहाँ पर स्क्रैप थोड़ा सा पड़ा हुआ है। क्या गिर गया? ये स्क्रैप मेटल गिर गया। अभी पट से इनको रिसर्च करता हूँ। जैसे कि इम्प्रूव्ड ग्रिल, इसको भी रिसर्च कर दो। डन सीन, कितनी चीज़ें बची? सेफ, सेफ पे भी रिसर्च कर सकता हूँ। यूज फॉर स्टोरिंग आइटम्स, हाँ इस पर भी रिसर्च कर देता हूँ। ये लो भाई, आज कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सारी चीज़ों पे रिसर्च कर देंगे। सिर्फ दो चीज़ें बची हुई है, जिसके लिए अपने को चार आयरन इंगट लगने वाले, स्टोव और एयर फिलिंग स्टेशन। तो एक काम करते हैं, इन दो चीजों को छोड़ देते हैं। अभी मुझे ना थोड़ा सा अपना स्टोरेज सही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास स्टोरेज बहुत ज्यादा कम है। एक चीज मुझे ये करना था ना, पिछली बार मैं करना भूल गया। यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसको हटाऊं या इसको हटाऊं? ये हटा दूंगा तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पर मुझे अंदर साइड से भी एक स्टेयर बनाना है। इस स्टेयर से गाइस ना हम अंदर साइड से भी छत पे ऐसे जा सकते हैं। अरे नहीं जा पा रहा। अरे यार, इसको पूरा कॉर्नर पे ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, ये तो गड़बड़ चीज़ है। इसको किसी और तरीके से बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ से पहले हटा दो। ओके, ये भी हटाओ। डन सीन, और उसके बाद इसको बिल्ड करो यहाँ पर ऐसे। भाई इसका एंगल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो अब मैं यहाँ पर देख के बिल्ड कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर किधर को जा रहा है। चलो सही आ गया है ना, ये भी चलेगा एकदम बढ़िया। यहाँ से स्टेयर्स बन चुका है, मैं नीचे आ सकता हूँ। और बाहर साइड से भी स्टेयर्स है, जैसे कभी अटैक वगैरह किया एनिमी ने ना, तो हम यहाँ से पट से गेट बंद करके और यहाँ से हम ऊपर साइड को जा सकते हैं। इसके लिए मैंने ये चीज़ बनाया है, तो ये चीज़ काफ़ी सही रहेगा अभी के लिए हमारे लिए। और अभी मुझे ना बैरल्स वगैरह बनाने हैं। बैरल्स के लिए अपने को चाहिए, क्या चाहिए था? स्क्रैप चाहिए, स्क्रैप चाहिए, तो स्क्रैप लेके आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर वुड ऐड कर देता हूँ। आइटम ले सकता हूँ यहाँ से, एक और आयरन इंगट आ गया।
पहले ना ये आयरन ओर जितने भी हैं इनको अभी के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, और चारकोल भी यहीं पर रख देता हूँ। खाना चाहिए मेरे को भाई, खाना खाना खाना। चलो चलो चलो, पहले खाना पका के आता हूँ। इस पे रखो खाना। वैसे यहाँ पर एक पड़ा हुआ था, खा लिया क्या मैंने? हाँ एक खा लिया, चलो डन सीन। बाकी का चारकोल मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ जो अभी मेरे काम का है। अभी हम क्या क्या नई नई चीज़ों पे रिसर्च किए हैं, इसके लिए अपने को 5 आयरन इंगट चाहिए भाई, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। 5 आयरन इंगट कंपोनेंट चाहिए, रबर चाहिए, ग्लास चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए इसके लिए। एक काम करता हूँ, एक और फर्नेस बनाता हूँ जिसके लिए रबर चाहिए और वुड प्लैंक चाहिए। ये तो है ही नहीं मेरे पास, रबर तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए हैं। मेटल का चेस्ट ही बना देता हूँ, 2-3 और यहाँ पर। एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर। इसके ऊपर भी आ सकता है क्या? ओ नाइस, इसके ऊपर ऐसे बनाता हूँ ना स्टोरेज, भाई सही है। और एक एक बॉक्स में ना हम अलग अलग चीज़ें रखेंगे, इससे सही रहेगा। बस ख़त्म हो गया क्या? ओके इतने में ही ख़त्म हो गया। ये तो बाहर साइड को चला गया भाई, ये कैसे लग गया? इसको यहाँ से हटाओ, वैसे कम ही मिलेगा ना यार, ये भी गड़बड़ चीज़ है। अब तो मैं बना भी नहीं सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें रखेंगे। जैसे कि मैं इनमें अभी के लिए तो इन्वेंटरी खाली कर देता हूँ, बाद में सबको सही करेंगे। सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक जो है ना यहाँ से सैक बनाता हूँ। सैक कहाँ गया? जिससे कि मेरी इन्वेंटरी थोड़ी सी ज़्यादा हो पाए। इसके लिए 6 क्लॉथ चाहिए, 1 रोप चाहिए। भाई ये क्या बात होती है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? 6 क्लॉथ हो गया। चलो कोई नहीं, एक रोप बना लेता हूँ यहाँ से। ये लो एक रोप, 6 क्लॉथ और क्राफ्ट। इसको मैं रख लेता हूँ। ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आएगा। कितनी इन्वेंट्री बड़ी? एक सेकेंड, इसको यहाँ पर रखो। ओ 5 बड़ा भाई, मतलब कि 50 स्क्रैप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। चलो सही है, इसको लेके चलेंगे, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। बाकी गाइस चलो फटाफट से चलते हैं अब थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने। आज थोड़ा नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर फालतू के सामान पड़े हुए हैं, इनको भी खाली कर देता हूँ पहले। भाई पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी है नहीं हमारे पास। इसमें वुड नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अरे यार एक तो ये लफड़ा भाई। अब इसमें वुड डालो पहले, इसमें वुड ऐड कर देता हूँ, इसमें भी वुड ऐड कर देता हूँ। खाना भी नहीं है यार मेरे पास। चलो एक काम करता हूँ, ये खा लेता हूँ, ठीक है, ये पानी पी लेता हूँ। अभी मुझे जाना है सामान इकट्ठा करने, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना लेट करूँगा टाइम बीत जाएगा। वैसे भी टाइम देखोगे तो थोड़े टाइम में रात ही होने वाला है, बट कोई बात नहीं, जितना टाइम है ना उतने टाइम में तो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर ही लेंगे। आज चलेंगे इस साइड को, इधर वाले एरिया में भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इधर जो है ना बहुत कम एक्सप्लोर किया है हमने। इन सब बिल्डिंग को मैं लूटा हूँ या नहीं? अपार्टमेंट वगैरह यहाँ पर है शायद से, इन सब अपार्टमेंट को लूट लिया हूँ या नहीं पता नहीं। नहीं 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 नहीं, याद आया याद आया, यहाँ पर तो एकदम मस्त लूटपाट मचा दिए थे भाई। ये पूरा एरिया मैंने लूट लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर भी सामान पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भी ठीक है, मतलब अच्छे से लूटा नहीं है मैंने। चलो एक काम करता हूँ, लपेटते हैं भाई जो चीज़ें मिल रही हैं। स्क्रैप तो मिल ही रहे हैं, रबर वगैरह दिखते हैं, तो वो रबर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। इसमें क्या मिलेगा? इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। ये क्या है? सिगार। ओह भाई तगड़ी चीज़ मिली भाई, सिगार मिली। अब तुम्हारा भाई सिगार पिएगा? नहीं नहीं गंदी बात होती है सिगार वगैरह पीना भाई, नहीं पीनी चाहिए। यहाँ से स्क्रैप मिलेगा एकदम दबा के, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। ओह नई चीज़ मिली। अरे यार ऑटो खत्म हो गया। कल गाइस हम डाइविंग फिन बना के आएंगे, क्योंकि आज का टाइम देखोगे तो बीतने ही वाला है ना, तो आज ऐसे तैसे काम चला लेते हैं। बाकी अगर लूटपाट करने आएंगे तो डाइविंग फिन के साथ ही आएंगे। इधर को एक डब्बा और पड़ा हुआ था ना, ये रहा। इसमें भी कुछ तगड़ा चीज़ मिल जाता मज़ा ही आता। मैं पेंटिंग वगैरह बहुत मिलती है, चलो मिल रही है तो ले लेते हैं, इसका ट्रेड कर सकते हैं हम। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं क्या? एक यहाँ पर बक्सा पड़ा हुआ है। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ भाई, मेरा हेल्थ जाने वाला है गाइस, पूरा हेल्थ जाएगा अब। पानी पियो भाई, हेल्थ की तो ऐसी की तैसी हो जा रही है। वैसे ना अभी मैं देखा कि मैंने सारा अपार्टमेंट नहीं लूटा है यहाँ का, बहुत सारे अपार्टमेंट खाली है भाई। ये जो मिल रहे हैं ना खाने के लिए वो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस अब बचा नहीं है। एक काम करता हूँ, पट से जाता हूँ, बोट में खाली करके आता हूँ,
पूरा अपार्टमेंट अच्छे से लूटूंगा भाई, क्योंकि इस अपार्टमेंट में ना बहुत सारी लूट मिलने वाली है। वैसे भी अब रात होने वाला है तो अब घर को ही निकलेंगे। इस गेम में बहुत ज्यादा डार्कनेस है भाई, ऐसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ सामान है। जैसे ही थोड़ी सी रात होती है ना, बिल्कुल ऐसे अंधेरा अंधेरा सो जाता है। अब सीधा चलते हैं घर को। आज तो रेड होगा ही, वैसे देखा जाए ना तो एक दिन के गैप पे रेड हो ही जाता है, तो मेरे हिसाब से आज नाइट में या तो फिर कल सुबह को रेड तो पक्की बात है। अभी तो नहीं हुआ है ना रेड भाई, क्या पता ये कभी भी रेड कर देते हैं, डर लगता है वैसे इनसे। चलो अभी के लिए चुपचाप से पहले गेट बंद करो और सो जाओ। ओके गाइस, तो हम सो के उठ चुके हैं। मैं अभी यहाँ पर पूरी इन्वेंटरी भी खाली कर चुका था, थोड़ा सा सामान यहाँ पर गिर गया था, बाकी और चेस्ट में कुछ भी नहीं है। इसको भी मैं यहीं पर रख देता हूँ, अभी के लिए यहाँ पर रख देते हैं। खाना खाना है तो ये लो भाई, खाना खा लो और ये पानी पी लो। हेल्थ अपनी पूरी फुल हो चुकी है, फट से चलते हैं फिर से लूटपाट करने। योर बेस इज अंडर अटैक। अरे यार आ गए नल्ले भाई, जो मैं बात कर रहा था ना कि ये अटैक होगा कल को, ये देखो भाई सच हो गया भाई। मेरे को पता था बिल्कुल कि ये अटैक करने वाले हैं। ये देखो रेड हो चुका है, मैं कह रहा था कि रात में होगा या तो सुबह होगा, ये देखो सुबह सुबह रेड हो चुका है। नल्लो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, रुको जरा तुम मेरे बेस को तोड़ के ही मानोगे क्या? यहीं से मारता हूँ इनको। पड़ी 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 पड़ी, एक और पड़ी, इनको तो ऐसे ही मार दूंगा। चलो अरे कैसे नहीं मरा भाई, कितना मारना पड़ेगा, ये मेरे बेस को तोड़ देंगे। अच्छा एक मर गया है, एक ये रहा। अरे उसको मारने की जरूरत है भाई, वो मेरा बेस तोड़ रहा है। दीवार तोड़ देगा वो। वेट 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 वेट, पहले इसको मारता हूँ, पहले इसको मारता हूँ, नहीं तो ये तोड़ देगा। चलो चिचा निकलो, अरे यार तोड़ने वाला है ये। अरे कितने टाइम में मरेगा ये, अरे कोई बाजू से आ रहा है। ओह नो, ओह नहीं, जमीन में घुस के मार रहे हैं मेरे को भाई। हेडशॉट मारने पे भी नहीं मर रहा है, ये क्या बात होती है नल्ले कहीं के। ओ भाई ये खतरनाक है यार, इनको हेडशॉट मारने पे भी कुछ नहीं हो रहा है गाइस। वेपन जो है ना अपग्रेड करना पड़ेगा अब, क्योंकि अरे यार मत करो, एक तो मर जाओ। ओके एक मरा, दो मरे दो मरे। चलो 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 चलो, ये अपना बेस तोड़ रहे हैं। चलो इसको भी हेडशॉट पड़ गई। और कितने बच्चे हैं, बस एक ये बचा हुआ है, आखिरी है ना। चलो चिचा चटको ये लो। अरे बच क्या नल्ला कहीं का, अरे भाई बच रहा है तो। ओ भाई साहब, चलो चटको चटको, सारे मर गए ना। ओ भाई रेड रेड रेड, वैसे इनको मारने में जो मजा आता है ना। चलो भाई अपने लूटपाट की दुनिया में वापस जाते हैं, हम चलते हैं कुछ और काम करने, यहाँ पर कुछ और काम आ जाता है। चलो कूदो यार, ये डाइविंग फिंस जो है ना फिर से नहीं बना के आया। अच्छी भाई वो दिख रही है क्या, मर्लिन फिश। मुझे अब घर जाना पड़ेगा, मैं घर जाना नहीं चाहता, छोड़ो ऐसे ही लूटपाट करता हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारा सामान है इसमें। सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अपने को दबा के स्क्रैप मिलेगा इस वाले जगह पर, वहां पर रबर मिल जाएगा, काफी कुछ है। ऊपर भी स्क्रैप मुझे दिख गया, इसमें से अच्छे खासे स्क्रैप मिलते हैं। ऐसे डब्बे मिल जाए 10-15 ना, तो भाई स्क्रैप का काम ही हो जाए। देखा इतने सारे स्क्रैप एक बार में, और इस घर में भी स्क्रैप पड़े हुए हैं। ओ भाई ओ यहाँ पर तो और भी सामान है, अभी तोड़ सकते हैं इन सब चीजों को। चलो नाइस, फटाफट से इसको भी कलेक्ट करता हूँ। ओ ब्रोकन GP20 एक और गन मिली मुझे, नाइस नाइस नाइस, ऐसे ही चीजें मिलती रहे भाई। लेकिन भाई ये है ना बहुत टाइम लग रहा है इन चीजों को कलेक्ट करने में। ओ ये क्या मिला, डायमंड रिंग। ओ भाई साहब ये तो कुछ क्रेजी चीज मिली। वेट वेट वेट, मैं मरने वाला हूँ, अरे यार मैं मरने वाला हूँ, पूरी हेल्थ गई भाई। डायमंड रिंग मिला गाइस अपने को, पहले तो मैं सांस ले लेता हूँ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आधी हेल्थ वैसे ही हो गई है। ओ भाई बच गया बच गया गाइस, डायमंड रिंग मिला यार, इतनी महंगी चीज, इसको मैं ट्रेड करने के लिए यूज करूंगा भाई, मैं पहन नहीं सकता क्या यार। अब चलते हैं गाइस फटाफट से घर पे,
और कुछ और नई नई चीजें बनाते हैं। और वैसे अभी भी यहाँ पर लूट पड़ी हुई है, जैसे इस बिल्डिंग को मैंने नहीं लूटा और उधर को थोड़ी बहुत लूट पड़ी हुई है। अब तो रेड नहीं होगा ना, वैसे एक दिन रेड हो जाता है तो उसके बाद दोबारा रेड जल्दी नहीं होता है। चलो इसको रोको यहाँ पर, अभी चलते हैं, पहले इन्वेंटरी में खाली करता हूँ, इसमें स्क्रैप रख देता हूँ, जितना भी मेटल स्क्रैप मिला हुआ है ये सारा इसमें जाएगा। रबर वगैरह जो है इसमें जाएंगे, चारकोल तो मैं इसमें रख रहा था तो इसको यहाँ पर रख देता हूँ, बाकी के ये फालतू आइटम जो अभी मिल रहे हैं मुझे इन सबको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये सब ट्रेड में यूज़ करेंगे तो इन सबको मैं यहाँ रख देता हूँ। और अभी ना वुड भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला है तो वुड को अभी के लिए इसमें स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा अपने स्टोरेज को भी अच्छा बनाते जाते हैं। क्लॉथ मिले हुए हैं तो क्लॉथ अभी के लिए कहाँ पर रखूँ, इस वाले में रखा हूँ क्या, हाँ इसमें रख देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट भी इसमें रख देता हूँ। एक ये फर्नेंस और बना लेता हूँ, इसके लिए क्या चाहिए था, ये रहा ना फर्नेंस, इसके लिए अपने को सिर्फ वुड प्लैंक चाहिए। वेट वेट वेट, वुड हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये यहाँ पर रख दो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये यहाँ पर रख देता हूँ और ये रख देता हूँ यहाँ पर। डन सीन, वुड हमारे पास ये पड़ा हुआ है, किसमें वुड रख दिया मैं, हेलो ये रहा वुड, ठीक है। और यहाँ से पट से बनाते हैं एक और फर्नेंस, इसको लगाएंगे हम इसके बाजू में, इस वाले जगह पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, नाइस। एक काम करता हूँ गाइस, आयरन ओर ले जाके ना उसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ, जिससे कि ये भी काम करता रहे। एक आइटम ठीक है, इसमें और भी डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए, इसमें भी डाल देता हूँ। डन सीन, अब दो दो फर्नेंस यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अब हमारा काम और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। अभी मेरे पास टोटल 3 आयरन इंगट हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा आयरन इंगट की ज़रूरत है हमें। ये सारा स्क्रैप मेटल यहाँ पर रख देता हूँ। एडवांस प्यूरीफायर अभी हमें बनाना था, इसके लिए 5 आयरन इंगट चाहिए। भाई 5 आयरन इंगट हो जाएंगे क्या, 3 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 2 अभी मेरे पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ से और भी ये ले लेता हूँ आयरन का ओर, इसको डालते हैं हम यहाँ पर, नाइस। इसको डालते हैं यहाँ पर, वुड ऐड कर देता हूँ और भी, इसमें भी वुड ऐड कर देता हूँ। टोटल 5 आयरन इंगट हो गए ना, यस टोटल 5 आयरन इंगट हो गए गाइस। क्या क्या चीज़ें चाहिए और भी, कंपोनेंट चाहिए 8, अभी कंपोनेंट देता हूँ। कंपोनेंट हमारे पास पड़े हैं, ये लो कंपोनेंट, और रबर चाहिए ये लो, और क्या चीज़ चाहिए, ग्लास चाहिए 8, ये रहा ग्लास। सारी चीज़ें हो गई गाइस, अब हम एडवांस प्यूरीफायर जो है बना सकते हैं। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, नहीं नहीं बाहर साइड को लगाता हूँ ना, सारी चीज़ें हमारी बाहर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर लगाऊंगा तो वो तोड़ सकते हैं, तो चलो देखा जाएगा जो भी होगा। पहले इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ओ भाई ये चीज़ सही है। वेट वेट, मैंने इसको गलत लगा दिया क्या, अंदर साइड को भी दिखेगा, नहीं दिख रहा, ओके नाइस। अब मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ, इसमें मुझे मेटल चेस्ट है, यहाँ से मैं चेस्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसमें मुझे वुड ऐड करना है, ये लो भाई वुड ऐड कर देता हूँ। पानी कैसे आएगा इसमें, हैंडपम्प चलाना पड़ेगा क्या, आई ये, ओ भाई ये तो सही चीज़ है भाई, मस्त यहाँ से हैंडपम्प चलाते जाओ और यहाँ पर वाटर भरता जाएगा। पानी पीने के लिए एकदम सही चीज़ है, ऐसे बाल्टी बाल्टी मजदूरी करनी पड़ रही थी पानी भरने के लिए, अब हमें यहाँ पर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, चलो ये अच्छी चीज़ हो गई। डन सीन, ये देखो गाइस यहाँ पर पूरा वाटर फुल हो चुका है, नाइस। अभी रात हो गया ना, अभी चुपचाप से चल के सो के उठ जाता हूँ, क्योंकि दिन कर लेता हूँ। रात के टाइम में वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो जगने का कोई मतलब नहीं है। गुड नाइट दोस्तों, अरे यार एक तो ये गेम सोने नहीं देती भाई, इतना रात हो चुका है सोने दो ना। ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, एकदम मस्त, ये देखो प्यारी सी सुबह हो रही है। सुबह सुबह पहले थोड़ा पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। डन सीन, थोड़ा और पानी पी लेते हैं। अब मैं देखता हूँ कि और क्या नई चीज़ बना सकता हूँ। वेट, यहाँ पर जितनी चीज़ें थी वो सब बना सकते हैं। वॉल स्पाइक, हाँ ये चीज़ पे रिसर्च करना बनता है भाई, ये बना देंगे ना तो वो जो एनिमी है ना वो चढ़ नहीं पाएंगे। वॉल ट्रैप और ये वॉल स्पाइक, ये दोनों चीज़ें पे मुझे रिसर्च कर लेनी चाहिए। एक काम करता हूँ इनको पिन करता हूँ दोनों को। क्या क्या चीज़ें चाहिए, वुड चाहिए और स्क्रैप चाहिए ना, वुड ये रहा स्क्रैप ये रहा, हो गया क्या। डन सीन गाइस, दोनों को रिसर्च कर सकते हैं। अरे कहाँ गया, अभी तो आ रहा था, अच्छा यहाँ पर है भाई, मैं वहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। इसको करो रिसर्च, इसको करो रिसर्च, डन सीन। और फ्रिज पे भी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए, वेट 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 वेट, इस पर रिसर्च करता हूँ गाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चाहिए ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
आज तो भर भर के सारी चीजें बनाएंगे, अपना जो घर है ना वो भी अच्छा हो जाएगा। इसमें फ्रिज वगैरह भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कहाँ गया, यहाँ से ले लेते हैं। हाँ भैया जी, इसको भी करो रिसर्च। और ग्लास वॉल, एक ये चीज बची है, ग्लास यहाँ पड़े हुए हैं, ये भी रिसर्च करके कंप्लीट ही कर देते हैं। लो भाई, कुछ भी नहीं बचा गाइस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बची हैं, जैसे टो हैंड एक्स, इससे 55 का डैमेज। ओ भाई, कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है इससे? इससे देखो 22 का डैमेज पड़ता है, और इससे जो अपना डैमेज पड़ता है वो 42 का, और इससे 55 का डैमेज। 5 स्क्रैप और एक रोप चाहिए। ये सारा सामान तो मिल जाएगा, ये रहा स्क्रैप और रोप, मैं यहाँ से पट से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा रोप, डन। अब इस पर करता हूँ रिसर्च। ओके, डन, अनलॉक हो चुका है हमारा एक नया हथियार जो कि काफ़ी पावरफुल है। इसको मैं बनाऊँ कैसे? ये रहा क्रूडेक्स, इसके लिए 10 स्क्रैप चाहिए, एक रोप चाहिए और अपने को चाहिए, नहीं ये नहीं है ना, टो हैंड एक्स, ये है, ये है भाई, ये चीज़ बनानी है अपने को। अरे ये विशलिस्ट हटाऊँ कैसे, ये तो ऐड होते जा रहा है। अरे छी, इसको हटाऊँ कैसे? अब बनाते हैं अपना एकदम तगड़ा वाला हथियार। ओ भाई, इसको रखते हैं यहाँ पर, ये अब रहेगा यहाँ पर, नहीं इन्वेंट्री में नहीं, इसको हम इधर को कहीं पर रख देते हैं भाई, इसकी अब ज़रूरत ही नहीं अपने को, इतना तगड़ा हथियार आ चुका है अपने पास। मार के सीधा खोपड़ी खोल देंगे इससे, भाई बहुत तगड़ा है ये तो। हमारा यहाँ पर मस्त वाटर प्योरीफायर काम कर रहा है, यहाँ से जाके पानी पी सकता हूँ। कैसे पीऊँ? अच्छा ये रहा पानी, ओ नाइस भाई, पानी पीने का जुगाड़ अच्छा कर दिया हमने। बस खाना पकाने वाला भी बना देंगे ना तो मस्त हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे स्मेल्टिंग पे बस लगाना है अपने को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल्ट होगा, जितना ज़्यादा आयरन इंगट आ पाएगा अपने पास, उतना जल्दी हम काम कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 आयरन इंगट हमारे पास पड़े हुए हैं। मर्लिन फिश का स्किन भी पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं बार बार डाइविंग फिन जो है ना बनाना भूल जाता हूँ, तो अब की बार बना के रख लेता हूँ, जब भी मैं ऐसे सामान वगैरह इकट्ठे करने जाऊँ तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वेट, कहाँ गया वो? इधर ही तो कहीं पर रखा हुआ था मर्लिन फिश स्किन, ये रहा ये रहा, इसको लेते हैं यहाँ पर और इसको अब बनाते हैं। देखना चाहता हूँ कि इससे स्पीड कितनी बढ़ती है। डाइविंग फिन्स, ठीक है, इसको कहाँ पहनते हैं? यहाँ पहन लिया क्या? एक बार को मैं स्पीड चेक करके आता हूँ कितना स्पीड जाते हैं नीचे। ओ नाइस भाई, ये तो बहुत स्पीड है भाई, ये चीज मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी गाइस, वैसे बहुत ज्यादा स्पीड है ये तो। पहले हम भाई कछुए की रफ्तार से जाते थे, अब हमारी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये मैं पहले बना लेता ना तो मुझे ऐसे सामान इकट्ठा करने में इतना रोना नहीं पड़ता। और अभी अपने बेस को ना थोड़ा और सिक्योर करते हैं, एक काम करता हूँ, इस वाले जगह पर एक और मेटल का फाउंडेशन बनाता हूँ, यहाँ पर डन सीन। और उसके बाद वो जो चीज़ें थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कैसे बनती हैं? अभी जो मैंने बनाया है ना, ये वुडन गेट, ओके, वुडन डिफेंसिव वॉल, हाँ ये चीज़ें मेटल डिफेंसिव वॉल, ये मुझे देखनी है कि ये कैसे वर्क करती हैं। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा सकता हूँ? ओ नाइस, यही चीज़ तो मेरे को चाहिए थी भाई, कि मैं डिफेंस के लिए कुछ तो यहाँ पर लगा पाऊँ, लेकिन इतनी बड़ी वॉल नहीं लगानी थी मुझे, थोड़ी छोटी वॉल नहीं आती है क्या? क्या क्या यहाँ पर है? ये वायर लगा सकता हूँ ना, बैरिकेड भी है यहाँ पर, डनसिन इस वायर को लगा के देखता हूँ। अगर मैं ये वायर यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा तो कोई भी ऐसे इसमें घुस नहीं पाएगा, है ना? इससे मुझे कुछ होता है? इससे तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है वैसे, तो अच्छी बात है। वेट, थोड़ा सा और यहाँ से लाता हूँ। स्क्रैप कहाँ गया? ये रहा स्क्रैप, और थोड़ा वुड भी, और पहले इसको थोड़ा और सही कर देते हैं, जिससे कि कोई एनिमी अगर इस पर अटैक करे ना तो फिर हमारे पास डिफेंस के लिए सारी चीज़ें हो। जैसे कि अगर एक मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ से अब कोई भी नहीं आ पाएगा। सेम चीज़ हम इधर को भी कर सकते हैं ना, हाँ सेम चीज़ हम इधर को भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। और ये बैरिकेड कैसे काम करता है? इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ यहाँ पर, देखो ये लग जाएगा यहाँ पर, ये लग जाएगा इस वाले जगह पर,
ऐसे करके, और इसको लगाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, एक लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। ओ भाई ये चीज तो बढ़िया हो गया गाइस, ये देखो सामने साइड से तो बढ़िया सिक्योर हो गया ये। यहाँ पर कोई गेट लगा सकता हूँ क्या? अब ये देखना है मुझे। मेटल आर्मर प्लेट, नहीं ये नहीं, ये वाला वुडन गेट बना सकता हूँ क्या? शायद से ये वाला वुडन गेट यहाँ पर आ सकता है। थोड़ा सा वुड चाहिए मेरे को, वुड है क्या यहाँ पर? भाई वुड तो पूरा खत्म हो गया भाई, वुड लाना पड़ेगा अपने को। ओ भाई साहब वुड खत्म हो गया गाइस। वैसे हमारे पास ट्री यहाँ पर आ चुके हैं, तो पट से ट्री कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ना आइलैंड पे बहुत सारा वुड गिरा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यहाँ से वुड कलेक्ट नहीं किया, तो अभी मुझे वुड मिल जाएगा आराम से। ये देखो गिरा हुआ है ना, नाइस। और इन सब को भी कट कर लूँगा ना, तो वापस से फिर से यहाँ पर वुड आ जाएगा। ये कट नहीं हो रहा, अच्छा हो गया हो गया हो गया। और मुझे बस यहाँ पर एक बार देखना है कि गेट बन जाएगा या नहीं। आई थिंक बन तो जाना चाहिए। अरे यार ये क्या बन गया भाई, मैं गलती से इसको लगा दिया यार। ओ वेट, ये तो तगड़ी चीज है। इसको यहां से तोड़ो भाई, ये गलती से यहां पर लग गया और पूरा सामान खराब हो गया। इसको मैं यहां पर लगा के देखता हूँ भाई, ये खतरनाक चीज मिल गई, वुडन गेट। हाँ ये लगेगा अपना यहाँ पर, इस वाले जगह पर ऐसे, और बाद में यहाँ पर एक और फाउंडेशन बनाएंगे इस साइड को, एक फाउंडेशन इस साइड को। अभी के लिए ये ऐसे ही रहेगा। ये देखो भाई तगड़ा है ये तो। यहाँ पर फाउंडेशन बना के इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ क्या? भाई तगड़ा लगेगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी कर ही देते हैं। बस स्क्रैप अपना खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आज यही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी की चीज़ें बाद में करते रहेंगे धीरे धीरे। इसको लेके चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक, डन सीन। इसको इधर से यहाँ पर कंप्लीट, और अब इसके साइड में हम ये वायर वाला लगाता हूँ ना, ये ठीक लग रहा है देखने में। इसको यहाँ से ऐसे लगाते चले जाते हैं पूरा यहाँ तक, डन। सेम चीज़ इधर को भी कर देते हैं। अरे यार स्क्रैप खत्म हो गया भाई, बहुत सारा सामान हमारा खत्म हो रहा है, और मैं क्या क्या चीजें करते जा रहा हूँ भाई। लेकिन बेस तो खतरनाक लगने वाला है अब तो। अभी यहाँ पर स्क्रैप पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो चलो, सामान तो मिलते जा रहा है। बस ये साइड वाला कंप्लीट कर लूँ, ये यहाँ से लगाता हूँ, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, और ये यहाँ पर, डन। भाई सामने से ये कुछ ज्यादा ही सिक्योर नहीं हो गया? ओ भाई इसको करो बंद, और ये देखो गाइस यहाँ से ये देखो कितना ज्यादा सिक्योर बेस हो गया हमारा। लेकिन ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लग रहे हैं, इतना सारा सामान इकट्ठा करके आया था, सारा सामान खत्म हो गया। आज के लिए एक चीज बस और बाकी रह जाती है, ये वाला ग्रिल। इससे ना हम फास्ट कुकिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको भी बना दें। जब इतनी सारी चीजें आज बना ही रहे हैं, तो कुछ और नई चीजें बना देंगे तो मजा ही आ जाएगा। रबर चाहिए सिर्फ, ये लो रबर। कुकिंग के लिए मैं कहाँ पर लगाऊँ, घर के अंदर लगाऊँ क्या, इधर साइड को? हाँ यहाँ पर लगाता हूँ ना, यहाँ पर सही रहेगा। ये रहा इम्प्रूव्ड ग्रिल, इसको लगाता हूँ यहाँ पर। बाहर को हमला हो गया, ओ अरे तोड़ रहे हैं ये भाई, अभी अभी बनाया है नल्लो, क्या बदतमीज इंसान हो बे। ओ ये क्या लोग है भाई, एक तो मेरे बेस पे हमला, ओ ब्लीडिंग, ओ नो गया मैं, कुछ तो दे दो, कुछ नहीं है। बैंडेज 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 कहाँ से बनाऊँ? अरे बैंडेज कहाँ से बनेगा, बैंडेज 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 लगाओ भाई, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था भाई, इतना भी सिक्योर भी। अरे ये ऊपर आ गया, अरे मेरा हथियार, नल्ले तू मेरे घर में घुसेगा साढ़े। वो एक मरा भाई, इतना सामान मैंने लगाया यहाँ पर, तीर मेरा कहाँ पर गया है, मेरा वो कहाँ गया तीर तलवार। अरे यार भाई रुक जाओ यार, इतनी जल्दी जल्दी में मेरे से काम नहीं होता भाई, एरो बनाने दो। नल्ले ये मर गया, ओ भाई ये तो खतरनाक वेपन है। ओ भाई ये इतने ज्यादा डेंजरस एनिमी कहां से आ गए,
पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। अरे यार मेरा हेल्थ, बैंडेज, कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ पर। सारा सामान वहां पर है खाने वाला। कुछ तो मिल जा, कुछ तो यहाँ पर होगा खाने के लिए प्लीज। कुछ तो, कुछ नहीं है। मैं मर गया। चलो चलो भागो 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 भागो। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। मेरे को खाना चाहिए बस 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 बस। अरे नल्ले भाई, ये क्या हो गया? इन्होंने क्यों रेड कर दिया यार? मुझे बेड पे जाना है। गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद। खाना 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 खाना। बैंडेज बना के रख लेता हूँ पहले, अब भी बताता हूँ इनको, नल्लो को। और हेल्थ वाला कहाँ गया? हेल्थ वाला आइटम ये रहा। बस आ जाओ नल्लो। कहीं के तुमने मेरे को कैसे मारा? सारा लूट, अरे लूट तो अभी। हाँ अब रुको नल्लो, अब तुम्हें बताता हूँ। ये ले। नहीं तेरी भैंस की ऐसी की तैसी, तुम मरोगे, तुम मरोगे। नहीं मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। अरे नहीं यार, नहीं यार, मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा। अरे मार रहे हैं। हेल्थ रिपेयर आर्मर। ओके मेरा बेस जाने वाला है गाइस। अरे कहाँ से मार रहा है? एक पड़ी, नाइस। एक और पड़ी। भाई साहब क्या खतरनाक रेड हुई है इस बार तो। ये पावरफुल एनिमी है यार, इनको मारने में बहुत टाइम लग रहा है भाई। नल्ले मर जा, कूतरिया मर जा, कितना मारूं? अरे एमओ खत्म होने वाला है गाइस। अब मुझे ना वेपन वगैरह देखो बनाने पड़ेंगे। अरे पढ़ कैसे नहीं रही है? एक तो ये हिल जा रहे हैं भाई। पड़ी 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 पड़ी, ये हिल रहे हैं इतने ना, पड़ी नहीं रही। मार दिया नल्ले ने। स्क्रैप नहीं है। अरे यहाँ पर थोड़े से ये पड़े हुए हैं, नाइस। हेल्थ लगाओ, बैंडेज नहीं। कहाँ गया भाई? वो मेरा बेस तोड़ रहे हैं यार। भाई मेरा बेस तोड़ देंगे ये लोग। नल्ले कहीं के, ये किधर से मार रहा है? तभी मैं कह रहा हूं मेरे को किधर से पड़ रही है। पहले इसको मारता हूं, दिख नहीं रहा है ना, पहले छुप के मारते हैं। आजा आजा बेटे, आजा आजा, पीक कर। अरे पीक नहीं कर रहा है। ले नूबड़े, पड़ी पड़ी पड़ी। आके मारता हूं ना बार। भाई डरते हैं क्या? डरता तो हूं वैसे। कहा है भाई? ये छुप जा रहे हैं, किसको देख रहा है बेटे? अरे दो हैं, दो अभी भी हैं इधर। एक तो पढ़ नहीं रही है। आजा 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 आजा, दिख जा। अरे नहीं पढ़ रही भाई। अरे यार इनको मारना पड़ेगा गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। पीछे से जाता हूं ना, पता ही नहीं चलेगा इनको। ये इजी भाई, इजी। पीछे जाके पट से चटका देता हूं। ओह नाइस, ये देख ही नहीं रहे। आइए, अरे देख लिया पीछे, वाह। अरे यार एमो खत्म, एमो खत्म, एमो खत्म। भागो भागो, एमो चाहिए मेरे को। मेरा पतलू बेचारा वहां पर पड़ा हुआ है, ये मार रहे मेरे को। बस दो तीन और बचे हुए हैं, इनको मार लूंगा ना मजा ही आ जाएगा। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ भाई, कुछ तो खाने को चाहिए। स्क्रैप मिला, नाइस। भाई ये सब मुझे पहले ही रेडी रखना चाहिए था। चलो ये बना लो थोड़े से। डन सीन, अब आ चुके हैं। आ जाओ अब दिखो। एक यहाँ पर है क्या? इधर कोई नहीं है ना? अच्छा इधर कोई नहीं है, चलो अच्छी बात है। भाई क्या फाइट चल रही है यार। पड़ी, एक और पड़ी। पहले मैं गेट बंद कर लेता हूं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ओ अरे बंद हो जा। डन।
पड़ी 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 एक और पड़ी एक और, अरे नहीं पड़ी नहीं पड़ी, पड़ी एक और पड़ी नल्ले को। और कोई बच्चा है? दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा भाई, मारू कैसे? घर में कोई नहीं है ना, चलो अच्छी बात है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मैंने एक चीज देखा था, हाँ ये, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। वेट, इसको मैं फेंक सकता हूँ क्या? प्लेयर, हाँ इसको बस मुझे उधर को ऐसे फेंकना है। ओ यस, यही चीज़ तो चाहिए था, मेरे को पता था ये चीज़ ऐसे ही काम करती होगी। अब देखो मैं इनको देख सकता हूँ, अब आराम से मार सकता हूँ। सही है सही है, अच्छी चीज़ पता चली आज मुझे। मेरे को लग रहा था कि फ्लेयर है तो इसका यही काम होगा। तू मार के दिखा नल्ले, आ जा वन बी वन। ये इजी गाइस। ओ भाई ये रेड ने बैंड बजा दी, सच बता रहा भाई, अब तो खतरनाक खतरनाक रेड होते जा रही है भाई। एक काम करो, सो सकते हैं क्या? अभी सो नहीं सकता, ये फ्लेयर तो काफ़ी काम किया, देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पर उजाला कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि मुझे दिख रहा है कि कहाँ पर एनिमी है कहाँ पर नहीं है। चलो गाइस सुबह हो चुकी है और एक चीज़ अच्छा कर दिया हमने, इतना डिफेंस बना लिया जिससे कि एनिमी जो है ना वो अटैक नहीं कर पा रहा। ये गेट खुला हुआ था शायद से इसकी वजह से वो अंदर घुस गए, नहीं तो वो अंदर कभी भी नहीं घुस पाते। तो मुझे अब हमेशा ध्यान देना है कि ये गेट को हमेशा बंद रखना है। चलो आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।